हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय, माय नेम इज मानसी गोयल। प्लीज गाइस कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल बटन। बट इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा मैंने क्यों बोला तो चलो मैं आपको बताती हूँ। पर वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन भी हिट कर देना। तो आज की वीडियो होने वाली है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड होने वाली है। मेरे पास जो है काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्रीथ होल्डिंग की वीडियो बनाओ, अपने पार्टनर के साथ ब्रीथ होल्ड करो नाक पे और मुंह पे हाथ रख के। तो गाइज, मैं इस टाइप की वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, अपने पार्टनर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट बिकॉज मैं किसी से ये नहीं बोल सकती कि आप मेरे साथ ऐसी वीडियो बना लो जिसमें मुझे ब्रीथ होल्ड करना है। इट कैन बी डेंजरस फॉर हिम वट एवर, राइट? ठीक है, बट मैं ये वीडियो अकेले तो बना ही सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं ब्रीथ कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकती हूँ और क्या इसकी बेनिफिट्स है और क्या नहीं है। ठीक है, और ऐसी रिस्की वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने से चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसी वीडियो पोस्ट करूँ जो इस यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो और जिससे मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाए, जिस बिकॉज मैंने अपने चैनल में बहुत मेहनत की और मैं नहीं चाहती अब किसी भी एक वीडियो की वजह से वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए, राइट? तो पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। देखो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको रोक के रखे रहो, लेकिन नहीं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो अपना 1 से 2 मिनट्स के लिए ब्रीथ होल्ड कर सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कोई इंसान 30 सेकंड के लिए ब्रीथ रोक सकता है, कोई 1 मिनट के लिए, कोई 1.5 मिनट के लिए, कोई 2 मिनट के लिए। ठीक है, बट ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग होती है, मतलब पर्सन की कैप होती है कैपेसिटी कि वो कितने टाइम तक ही रोक सकता है। लेकिन अगर आप डेली बेस में इसको प्रैक्टिस करोगे तो हाँ, आप अपनी ब्रीथ अगर आप 30 सेकंड्स रोक रहे हो तो फिर आप 40 सेकंड, 45 सेकंड, डे बाय डे आपका जो वो ग्राफ है वो इम्प्रूव होता जाएगा, राइट? मैं कितने टाइम के लिए रोक सकती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने एक्सरसाइज को किया नहीं। लास्ट टाइम पे मैंने कोरोना के टाइम में इस एक्सरसाइज को किया, तो कोरोना के टाइम में हम डेली करते थे, बट उसके बाद इसको नहीं किया है, तो अब इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ। ठीक है, बट बिफोर मूविंग मैं आपको इसकी बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स है। इसकी जो लंग्स है ना, उनको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना? आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे हमारे कोरोना टाइम में हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, तो लोग बोल रहे थे कि अपनी ब्रीथ होल्डिंग पावर को चेक, मतलब कंट्रोल, मतलब सही करो, तो वो इस वजह से भी हो रहा था। तो आपको आपके लंग्स का फंक्शन प्रॉपर होता है और देन आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। देन आपकी जो ब्रीथ होल्डिंग से क्या होता है, आप अच्छी जो हवा अंदर लेते हो, बुरी हवा आप बाहर भी छोड़ते हो, ठीक है? और उसके अलावा काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं जो भी आप गूगल कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू इरिटेट यू, फॉर मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर नहीं करने वाली क्योंकि ये सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी है और मैं कितने टाइम के लिए ब्रीथ रोक सकती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक आती है हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लाइक मैं लगाऊंगी टाइमर अपने फोन में। पहले होती है एक अनुलोम विलोम, जिसमें मैं अब सांस को अंदर लेना होता है और एक से बाहर छोड़ना होता है, तो उसमें भी ब्रीथ रोकी जाती है। तो पहले उसको अंदर लेते हैं, फिर उसे रोक के रखते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। तो पहले अंदर लेंगे, फिर हम उसको रोकेंगे। बस ठीक है, अब हम करने वाले हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मतलब मैं कितने टाइम के लिए अपनी ब्रीथ रोक सकती हूँ, मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब मैं हम वो चेक करने वाले हैं। पता है कोविड में क्या हुआ था, एक बार बोलते थे कि ब्रीथ रोक के, कोविड में ये हो रहा था कि सबकी सांस फूल रही थी, इनको सांस नहीं आ रही थी, सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? तो सब बोल रहे थे कि अपनी ब्रीथ चेक करो, न्यूज में भी आ रहा था बाद में भी, आप अपनी ब्रीथ को रोक के देखोगे आप कितने टाइम तक रोक सकते हो। अगर आप इस टाइम से इस टाइम तक अपनी ब्रीथ रोक सकते हो तो आप इतना स्वस्थ हो, आपको कोविड की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी सांस को रोका, मैं ज्यादा टाइम तक सांस नहीं रोक पाई और सबने मेरा मजाक उड़ाया। मजाक नहीं, सबने मेरे को ऐसे बोल दिया, तो सांस रोक नहीं पा रही तुझे, तो कोविड कोविड। और मैं इतना डर गई ना, लिटरली मैं इतना डर गई, मैं रात भर उस चक्कर में सोई नहीं। मैंने कहा हाँ, मुझे तो कोरोना है, कोरोना है, कोरोना। मैं ये करते रहे, फिर सुबह उठ के फिर मैंने बोला सब घर में सबसे, तो बोले तू पागल है, हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इतने टाइम तक रोकना, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम में अपनी ब्रीथ को रोक के। तो आज मैं ब्रीथ रोकने वाली हूँ, एम ओ वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर टाइमर, स्टार्ट।
सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिनट की इतनी मैंने अपनी ब्रीथ रोक ली थी। आपको क्या करना, तो जब भी आपको सांस को रोकना है, मतलब आपको एक्सरसाइज करना है, तो पहले आपको एक लंबी ब्रीथ लेनी है, उसके बाद रोकना है, ठीक है। यानी कि एकदम रोना चालू कर दो, पहले टेका डीप ब्रेथ देन स्टॉप, उसको रोको, ठीक है ना। ऐसे करोगे ये होती है सेकेंड एक्सरसाइज। अब सो गाइज हम करने वाले हैं लास्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो होने वाली है ऐसी वाली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें मैं कितनी देर के लिए अपनी ब्रीथ रोक पाती हूँ, कितनी देर के लिए नहीं रोक पाती। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें रोकना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसमें मैं सिर्फ 14 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड्स के लिए रोक पाई हूँ। तो ये होती है 2 से 3 तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक तो होता है अनुलोम विलोम, एक आपको एक सांस मतलब इधर की तरफ से अंदर लेना और एक तरफ से आपको बाहर निकालना। एक होती है आपको प्रॉपर ब्रीथ रोकनी है, ठीक है। एक होती है ऐसी वाली, जैसे टेक अ डीप ब्रेथ फिर उसको छोड़ दो, टेक अ डीप ब्रेथ फिर उसको छोड़ दो, थोड़ी देर रोको फिर उसको छोड़ दो। तो आप इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये होते हैं ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं, आप मतलब अच्छी जो आपकी गंदी गैसेज होते हैं लाइक CO, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप बाहर छोड़ते हो, ठीक है। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपका जो ब्लड फ्लो है तो उसको इंक्रीज करता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। यू कैन चेक इट ऑन गूगल, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो होपफुली आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ इसकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल बटन भी हिट कर देना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ब्रीथ होल्डिंग चैलेंज कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज ऐसे चैलेंज मत करना, ये आप लोगों के लिए भी रिस्की हो सकता है या फिर आपके क्लोज वंस के लिए भी रिस्की हो सकता है, ऐसा मत करना। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए चैलेंज में, नए प्लान के साथ, आइडिया के साथ। तब तक लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।